दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को देवी और माँ का दर्जा दिया गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और गाय की पूजा से जहाँ धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, तो वहीं गाय को रोजाना रोटी खिलाने से जुड़ा है भावनात्मक लगाव। लेकिन यही गाय अक्सर हिंदू मुस्लिम दंगों की भी वजह बन जाती है। अक्सर ये अफवाहें उड़ती रहती हैं कि इस्लाम में गौ मांस खाने की इजाजत है, लेकिन अब सच्चाई क्या है, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अब यहाँ पर दिलचस्प बात तो ये है कि भारत में मुस्लिम शासन के दरमियान कभी भी गौ हत्या को लेकर हिंदू और मुसलमानों में ऐसे टकराव और लड़ाई का वाक्या देखने को कहीं नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, भले ही बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और ये बात जानकर शायद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि बाबर से बहादुर शाह जफर तक के शासन काल में गाय की हत्या पर प्रतिबंध था। बहादुर शाह जफर के शासन काल में तो बहादुर शाह ने खुद ही मुनादी फिरवाई थी कि अगर बकरीद पर गाय की कुर्बानी दी गई तो कुर्बानी देने वाले को तोप से उड़ा दिया जाएगा। अब जहां हमारे इतिहास में इस चीज को लेकर कभी बहस नहीं छिड़ी, लेकिन आज ये मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक बहस का नहीं बल्कि एक हिंसा का भी एक मुद्दा बन गया है। कोई मुसलमान को सूअर कहकर बुलाता है ताकि उसे गुस्सा आ जाए, तो कई मुसलमान हिंदुओं को गाय के बारे में बातें कहकर गुस्सा दिलाता है। वो कहते हैं कि गाय आपके लिए भले ही माता होगी, लेकिन हमारे लिए तो ये खाना है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान गाय का मीट क्यों खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत की 80% से भी ज्यादा आबादी हिंदू है, जिसमें कि ज्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में भारत ही है। खैर चलिए आते हैं मुद्दे पर। दरअसल इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि वो क्या खा सकते हैं और वो क्या नहीं खा सकते हैं। मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, सबका तरीका दीने इस्लाम ने बताया हुआ है, और ज्यादातर मुसलमान अपनी जिंदगी दीने इस्लाम पर गुजारना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं और इसी में अपनी भलाई भी समझते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब, जिसे कुरान कहा जाता है, उसके सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3, सूरह 6 आयत 145, सूरह 16 आयत 115 में इस विषय पर एकदम स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वो ऐसे कोई भी जानवर का मांस नहीं खा सकते जो हलाल ना हो। अब कुछ लोगों को लगता है कि आखिर मुस्लिम ऐसे क्यों मानते हैं, तो आप इसे इस तरह से देखिए जिस तरह से हिंदुओं के लिए वेद सब कुछ है और वेद के हिसाब से ही वो चलते हैं। अगर वो वेद के हिसाब से ना चले तो वो धर्म के रास्ते से हट जाएंगे, और ये हमारा कर्तव्य है। ठीक इसी बात को इस्लाम भी मानता है, इसीलिए मुस्लिम मानते हैं कि कुरान का पालन करना ही उनका कर्तव्य और धर्म है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो बात गाय को लेकर हो रही है, तो फिर यहाँ कुरान कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, यही वो मसला है जिसकी वजह से ये हो रहा है। जानना चाहते हैं कि कैसे, तो बने रहिए इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक। दोस्तों, अगर आप कुरान का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो आपको हेडिंग दिखाई देगा सूरह अल बकर, वहां पर लिखा होगा। अब बकर का मतलब आप में से बहुत सारे लोग बकरी समझेंगे, पर दरअसल ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, यहाँ पर बकर का मतलब गाय है। दरअसल जब आप अरबी भाषा में पढ़ेंगे या कभी सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बकर का मतलब होता है गाय, न कि बकरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुरान असल में अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है, और आपको हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो पता ही है, और शायद यही वजह है कि आज तक लोगों को ये पता नहीं लग पाया है कि बकर का मतलब गाय होता है। लेकिन खैर, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको आयत नंबर 66, 67, 68, 69, 70 और 71 मिलेंगी। जब आप इन आयत को पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, और सिर्फ होश नहीं बल्कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, और आपको खुद अजीब लगेगा कि आखिर कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथ में ऐसे आदेश कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, कुरान में ऐसे आदेश दिए गए हैं जिसके हिसाब से मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें हराम है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है मुर्दा, दूसरे नंबर पर आता है ब्लड, तीसरे नंबर पर है सूअर का मीट, और चौथे नंबर पर आता है वो खाना जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। अब भले ही ये सभी आयत आपको नॉर्मल लग रही हो, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब से इस बात का फतवा आ चुका है कि कोई भी मुसलमान किसी भी इस्लाम का मांस खा सकता है अगर वो मुर्दा नहीं है। और मनुष्य का मांस कैसे खाया जाता है, ये तो आपने रोहिंगा मुसलमानों के टाइम में देखा ही था। अब चलिए एक बार आपको आयत नंबर 66, 67, 68, 69, 70 और 71 तक बता देते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इन आयत में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह कहते हैं कि तुम निश्चय गाय का ज़बह करो, और इन आयत में ये तक लिखा हुआ है कि गाय कैसी होनी चाहिए,
जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, कुरान के इन आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह कहते हैं कि वो ऐसी गाय हो जो ना बूढ़ी हो और ना ही बछिया हो, ऐसी गाय जो इनके बीच में हो। अब कुरान मुसलमानों के लिए सबसे प्रिय ग्रंथ है और इस ग्रंथ में अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। अब मुसलमानों के लिए यही उनका धर्म है। अब ग्रंथ के हिसाब से तो उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो। अब ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि कोई भी मुसलमान ऐसा क्यों ना करे। खैर, अब किसी भी ग्रंथ में किसी भी जानवर का मारना गलत नहीं बताया गया है। अभी कैसे हो सकता है ये बात तो हमें खुद भी पता नहीं है, लेकिन अब ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ये मुसलमान गाय के मीट को इतना प्यार से क्यों खाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि कोई भी हिंदू मक्का मदीना नहीं जा सकता, और उसमें से एक कारण ये भी है कि वहां मक्का मदीना में गाय का मांस यूज किया जाता है और वहां पर इसे खाना अनिवार्य है। और अगर ऐसे में अगर कोई हिंदू वहां पर गया तो अपने धर्म को खुद ही खत्म कर देगा। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारे किसी हिंदू स्थल में मीट खाना इस तरह से अलाउड तो नहीं है, लेकिन मुस्लिमों में है। और खैर, इस नियम को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, साल 1998 में जब इस मसले को लेकर एक मुकदमा चला था, और मुकदमा चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान आया था, और बयान ये था कि उन्हीं गाय को काटा जा सकता है जो बेकार हो। अब बेकार मतलब कि जो दूध ना दे पाए, खेतों में काम ना कर पाए। अब मुस्लिमों के लिए ये चीज बाधा बनी जा रही थी, क्योंकि कुरान के आयत नंबर 71 में ये लिखा गया है कि अल्लाह कहते हैं कि गाय ऐसी हो जो ना ही यूज की गई हो और ना ही उसके रंग में कोई मिलावट हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में ज्यादातर एक रंग वाली गाय ही पाई जाती है। अब कुरान में तो लिखा गया है कि एक ऐसी गाय होनी चाहिए जो बूढ़ी भी ना हो और ना ही बछिया हो। तो कुरान में ये सब लिखा गया है, लेकिन ना चाहते हुए भी लोगों ने गाय को मारना शुरू कर दिया। अब अगली बार दोस्तों, अगर आपसे कोई भी बोले कि ऐसा कुछ कुरान में नहीं लिखा गया है, तो एक बार आप उन्हें इन आयत के बारे में जरूर याद दिलाए। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दी कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस पर विचार किया और कहा कि गाय को मारने के बाद उनके मीट से और हड्डी से ज्यादा का आय नहीं होता है, लेकिन जब एक गाय जीवित रहती है तो उसके मूत्र से एक खेत को बड़े आसानी से जिंदा रखा जा सकता है। और इन्हीं सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जानवर की हत्या करना सही नहीं है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर धड़ल्ले से गाय का मीट बेचा जा रहा है। अब इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और वहां ये बाजार में बिकता भी है और खाया भी जाता है, और ये वहां के रेस्टोरेंट और होटलों में खुलेआम परोसा भी जाता है। यहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले तौर पर बाजार में बिकता है और खाया जाता है। इन 8 राज्य और लक्षद्वीप में तो गोहत्या पर किसी तरह का कोई कानून भी नहीं है। और बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल में जो कानून है उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो, और ये उन्हीं पशुओं को दिया जा सकता है जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या जो प्रजनन का काम करने के काबिल ना रहे हो। हाँ, वो बात अलग है कि 26 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरे देश में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध को सस्पेंड कर दिया है। अब सारा का सारा माजरा इसी में उलझा हुआ है, क्योंकि संविधान कुछ और कहता है और कुरान में कुछ और ही लिखा है, और इसी के बीच में यह पूरा का पूरा माजरा फंसा हुआ है। क्योंकि एक तरफ संविधान कहता है कि जानवरों को मत मारो, और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि अल्पसंख्यकों के धर्म को नुकसान न पहुंचाओ। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अगर किसी ग्रंथ में किसी ऐसी चीज के बारे में लिखा हो और वो गलत हो, तो क्या हमें वो चीज माननी चाहिए? तो अपनी ये राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि आखिर ये मुस्लिम गाय का मीट क्यों खाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।